अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज तलबा, आज हम जमात दौम रियाजी सदुम का दूसरा सबक फीसा और समसला इस सबक की मशफीसा एक दो अशारे एक कसापस हल करेंगे। शक्ल में जालिया बी एफ ई बी एफ ई 90 दर्जे एफ जी उमूद ईडी पर एफ जी उमूद ईडी पर अगर जी डी बराबर 8 जी डी बराबर 8 एफ जी बराबर 12 एफ जी बराबर 12 वो तो दर्जे मालूम कीजिए। पहला ई जी ई जी शक्ल में मुसलस बी एफ ई में मुसलस डी एफ ई में जाविया डी एफ ई बराबर 90 दर्जे और एफ जी उमूद है एफ जी उमूद है ई डी पर इस इर्तिफा से वितर के बनने वाले दोनों हिस्सों का इंतसी वस्त होता है। यहाँ पर लिखेंगे हम एफ जी मद्दू बराबर ई जी जर जी डी और उसमें वजह लिखेंगे हिंदसी वस्त की खसूसियत। हमको मालूम करना है इजी, तो ये तरफ इधर लिखेंगे और ये तरफ इधर लिखेंगे। इजी मालूम करना था, इजी को इसी तरह लिखेंगे। इजी जब जी डी दिया हुआ है हमको 8 बराबर एफ जी दिया हुआ है 12 एफ जी बोलते हैं 12 को जो ईजी जब 8 जब 12 को होते हैं 12 का 2 मतलब 12 जब 12 144 ईजी बराबर 144 बटे 8 तकसीम करेंगे 8 × 8 14 में से 8 गए बचे 6 बन गए 64 8 × 8 = 64 इसलिए ईजी बराबर आ गया 18। पहला दूसरा काम करना है हमको एफ डी मालूम करने के लिए हम लेंगे मुसलस जी डी एफ मुसलस जी डी एफ टाइप जाए मुसलस है मुसलस जी डी एफ मुसलस जी डी एफ में जाविया डी जी एफ जी डी जाविया एफ जी डी जाविया एफ जी डी 90 दर्जे इसलिए फीसा बॉर्डर्स की मसले से ये कायमा दायरा कायमा दायरा के मुकाबले का जिला वित्र कहलाता है। ये एफ डी वित्र है तो एफ डी का मुरफा बराबर है बाकी दो अजला जी डी और एफ जी
एफ जी का मतलब आ जावा जी डी का मतलब यूज रखेंगे यहां पर एफ जी है 12 का मतलब जमा जी जी डी है 8 का मतलब 12 का मतलब 144 जमा 8 का मतलब 64 दोनों की जमा करेंगे 4 और 4 8 छः और चार दस का सीखकर हासिल आया एक एक और एक दो एफ डी बराबर 208 का मुरब्बा दे इसके लिए इसके जजब निकालेंगे एफ डी बराबर जजब 208 दो एका दो सिफर का सिफर दो चौक आठ फिर एक आए में चार रहते दूसरे में दो पंजे दस दो दो चार एक आए में दो फिर दूसरे में दो दो चार बचा एक करके 12 दो छक्के 12 फिर दूसरे में एक आए में छह तो दो एक का दो दो या छह 13 मुफरद अदद है इसलिए दूसरे में 13 एक 13 ये तमाम जजब हैं। जजब दो जब दो होता है दो और ये जजब दो जब दो हुआ दो और ये अकेला जजब रहा 13 दो दुनी चार चार जजब 13 ये एफ बी बराबर था चार जजब 13 दूसरा हुआ तीसरा मान करना है हमको EF तो मुसलस एफ जी ई में मुसलस एफ जी ई में जाविया पी जी एफ जी एफ जी ई बराबर वो दर्जे इसलिए तीसरा चौरस के मसले तीसरा चौरस के मसले से ये कार्बोनाइल इसको का मिलकर जो मित्र का मुरब्बा बराबर होगा एक जिले का मुरब्बा जब दूसरे जिले का मुरब्बा तो हम मालूम करेंगे ईएफ ईएफ का मुरब्बा बराबर है एफ जी का मुरब्बा जमा एफ जी का मुरब्बा जमा ई जी का मुरब्बा या जी ई का मुरब्बा बराबर एफ जी है हमारा 12 12 का मुरब्बा जमा जी ई है जी ई मालूम करना है और ई एफ मालूम है ई एफ मालूम करना है जी आया हमारा कितना है जी जी आई जी 18 आया इसको इजी लिखते हैं ये 18 नंबर एफ जी 12 है तो 12 के 12 को दो जमा ई जी 18 18 को दो बराबर 12 को दो 144 जमा 12 दो 12 144 जमा 18 दो 18 18 324 बराबर 4 4 8 इकाई वाले कहने जमा करेंगे दाई वाला दाई में 2 और 4 6 3 और 1 4 तो ई एफ को दो आ गया 468 इसलिए ई एफ बराबर जजब 468 468 के ऐसा दर निकालेंगे 468 क्योंकि 468 काम और बदल नहीं एक आए में 8 है दूसरे में 2 2 3 4 2 3 6 2 4 8 एक आए में 4 है दूसरे में 2 1 2 2 1 2 बचा 1 बन गए 14 2 7 14 दूसरे उत्तर है इन दूसरे की जमा करेंगे 7 और 1 8 और 1 9
इधर से भी जब हम लोग आ गए इसलिए तीन से हुआ, तीन तीन नौ बचे दो, ग्यारह में से नौ बचे दो बन गए सत्ताईस, तीन नौ सत्ताईस बनो उनतालीस, उनतालीस तीन से हुआ तीन का तीन, तीन तीन नौ तेरह मुहरत अदद है उससे हुआ तेरह का तेरह। ये तमाम जदर में जदर दो जदर दो आए दो, जदर तीन दर तीन आए तीन, और ये तेरह जदर दो तो दो तीन या छः, छः जदर तेरह। इसलिए ईएफ बराबर छः जदर तेरह।